जो ईश्वर की प्रतिपद्य महामारी है उसी का कोई मेडिसिन थोड़ा सा उसको दबाने के लिए होगा, उसको अच्छा करने के लिए नहीं। अभी तो आप बोलते थे ना जे कर्कट रोग का कोई मेडिसिन अभी तक भी निकला नहीं है, वो एक महामारी है। वो महामारी जब छुप गया सिर्फ कोरोना का भय में छुप गया, कर्कट रोग सबसे बड़ा महामारी था। उसी का डेवलपमेंट जो होगा, उसी का डिजीज का भूतानु का जो डेवलपमेंट होगा वायरस का, उसी का नाम बोला जाएगा मर्कटी कर्कट। अच्छा। उसी का रूपांतर है। आप सोच लीजिए, साइंस में देखिए, आध्यात्मिक बाद में देखिए, ज्ञान में देखिए, जैसे कोरोना का फोर्थ फॉर्म है आगे उसका भयंकर रूप होता है, ऐसा कर्कट रोग, कर्कट रोग का उसी भी बढ़ रहे है ना, उसका वायरस भी बढ़ रहे मर रहे है ना। सिर्फ तो मेडिकल का अंदर में सीमित नहीं है ना, ऑपरेशन का बाद में वो डिजीज दूसरा जगह को चला जाएगा। वो वायरस इतना किपर है, उसका तेल में डालेगा तो जलेगा नहीं ना, इसीलिए तो अच्छा है नहीं सकता। सिर्फ लाइट के लिए उसको मार देता है, दबा दिया जाता है, केमोथेरापी द्वारा थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, मगर केमोथेरापी जब दिया जाता है आदमी का सकल स्वरूप चेंज हो जाता है, वही तो मर्कट हो जाता है। विकृत का मतलब तो मर्कट है ना, मर्कट का ही मंकड़ हो जाएगा, हाथ गोड़ लांच बन जाएगा वो बात नहीं है, कुछ बन जाएगा वो बात नहीं है, बात है सकल का परिवर्तन को आदमी कुछ भी कर सकता है। नहीं, लेकिन एक बात यह है कि आप तो बोल रहे हैं कि उस समय कुछ तो ऐसा साधन होगा ही नहीं, ना दवाई होगा, ना डॉक्टर होंगे, ना कुछ होगा, तो फिर निदान क्या है? निदान एक भगवान शंकर के पास है, वो जब मंत्र प्रदान करेगा जिसको, वो मंत्र को साधन करेगा वो सही करेगा। क्या है वो मंत्र? वो मंत्र अभी गुप्त है, वो महारुद्र अतिरुद्र मंत्र है। बाबा जी इतना कुछ बता दिए, मंत्र अतिरुद्र मंत्र है, उसका मंत्र खोलने का टाइम नहीं हुआ। अतिरुद्र मंत्र वो क्या है? तो भगवान सबसे बड़ा जो अतिरुद्र रुद्र जो अष्ट रुद्र है, एकादश रुद्र से अतिरुद्र सबसे बड़ा रुद्र जो है वो अतिरुद्र मंत्र बोला जाता है भगवान का, वो पंचवक्र में उसको साधन करा जाएगा। मतलब उसको जो मंत्र आप बोल रहे हैं उसको हर कोई साधन कर सकता है? नहीं नहीं, उसका गुरु जब जानेगा, गुरु देगा वो साधन करेगा। गुरु कहाँ से मिलेगा? पता नहीं कहाँ से मिलेगा, जो गुरु ढूंढेगा मिलेगा। जो मंत्र को जानता है भगवान शंकर जिसको देगा वो दूसरा को देगा, वो उसके लिए गुरु होगा, वो मंत्र का साधना का प्रणाली वो बता देगा। अच्छा, तो गुरुदेव जो है वो बताएंगे? जो गुरु वो मंत्र का अधीश्वर होगा, अधीश्वर होगा, जो जिसको शंकर भगवान ने दिया होगा, उनने बोला होगा वही मंत्र लेख, वही मंत्र से इतना जप करने से वो सिद्धि होगा। वो बैठ के जहां चाहेगा ता इच्छा अच्छा करे, क्योंकि उसको टच मात्र जाएगा, वो बाबा का लाइट से शक्ति से वो डिजीज नष्ट हो जाएगा। बाबा जी आप तो यहाँ हैं और दर्शक हमारा पता नहीं देख रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों से, फिर ये कैसे हो पाएगा? पता नहीं वो कैसे होगा, भगवान जाने, हमको जितना भी निर्देश है हमें वो तो बोल देता है। अच्छा, जब ईश्वर चाहे भी कहीं कहीं स्टेट में, कहीं कहीं जिला में, कहीं कहीं ब्लॉक भी उसका भक्त है, उनको भी दे सकते हैं। मंत्र का कोई सीमित नहीं है। अच्छा, भगवान की कृपा का कोई सीमित नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। हमारा सिर पर पांव रख के भगवान शंकर का भक्त नहीं है, हिमालय से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भक्त है ना। सही बात है, उनको बात भी दे सकते हैं। तो आपको ये बात पता चला पोथी से? हाँ, पोथी से, ब्रह्मांड भूगोल का जो पोथी था भगवान, भगवान पर, भगवान शंकर जी की लिखी गई वो जो ब्रह्मांड भूगोल पोथी है। अच्छा, पिछले एपिसोड में आपने बताया थे कि वो पोथी आपसे कैसे प्राप्त हुआ, वही वाला पोथी है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि 2024 से 27 तक हो जाएगा, अंदर अंदर ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आपका तो सब कुछ कट जाएगा ना, इंटरनेट कट जाएगा, ये जो लाइट जो दे जाता है इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक से जो पैरामीटर लाइट दिया जाता है ना, आपका जो रेडियम लाइट का दिया जाता है कैंसर को, वो तो शक्ति नहीं करेगा, वो तो इलेक्ट्रिक फेल हो जाएगा, सब कुछ इंटरनेट फेल हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होगा नहीं? अच्छा, तो वो तो प्रभु महापुरुष ने स्वच्छता ने लिख की गया है। तो वो समय ऐसा है कि वैज्ञानिक जो यंत्र हैं वो काम नहीं करेगा, पावर सेक्शन वो बंद हो जाएगा 100%। महापुरुष का वाक्य कभी टला नहीं, टलेगा भी नहीं। सैटेलाइट कनेक्शन टूट जाएगा, सब टूट जाएगा, कोमा हो जाएगा विश्व, उसी टाइम में प्रलय होगा, वही तो प्रलय है ना। आपका गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो पेट्रोल टंकी से निकलता नहीं तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे?
वो इलेक्ट्रॉनिक से निकलता है ना, पहले तो आप जाना है ना, जाना बंद हो जाएगा तभी खाना भी बंद हो जाएगा। आप राशन ना लाने से तो रसोई करेगा ना, वो भी बंद हो जाएगा, जाना ना खाना सोना सब कुछ बंद हो जाएगा। अच्छा, इस समय तो हम वर्णन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर उसको देखा नहीं कोई। जब आएगा तभी देखा जाएगा। अच्छा, सिम्टम ऐसा होगा, बात में प्रभु ने अच्युत ने लिखा है, वो तो बहुत भयंकर बात है। उसको हमारा भी, हम तो छोटा आदमी, हमारा भी कुछ उसमें नजर नहीं पाता है वो की नहीं लिखा है, मगर आप कुछ जानेगा जब आपको निर्माल स्वयं प्रभु जी बुलाएगा। हमको बोल दिया है माता जी ने। किसको? आपको। मुझे? मुझे तो आपको बताएगा कौन? आपको भगवान अच्युत निर्माल बुलाएगा, खुद आ जाओ। नहीं होगा तो मेरे को एक दिन पूछा करेगा, आपने बोला था 5 साल के अंदर एक दिन भी प्रभु जी ने मेरे को बुलाया नहीं। इसके पीछे का फिर राज क्या है? आप सुन, खुद बोलेगा। आप अभी पूछ रहे हैं, आप खुद बोलने लगेगा, जो आप बोलेगा सारा विश्व सुनेगा। बात सही है, लिख के ले जाओ। आप कुछ खोज रहे हैं ना, खोजने से कुछ मिलेगा। आप जो रत्न को खोज रहे, जो मेटेरियल्स को खोज रहे, जो शक्ति को खोज रहे ना, खोजने खोजने के जन्म जन्म में बोला ना 11 स्वर के महादेव में, जन्म जन्म खोज खोज के मेरे को तुम पा रही है। कोटि कोटि जन्म सुकर्मा प्रभा यही जन्म रे, वितरण आशी जन्म हेलु धराधाम रे, धर्म डाकुची कर्म कर मोहरी अर्थे, धर्म रे गतागत ये सर्वजीव दे, ये सर्वजीव को एक करके तुम्हें वर्तमान धर्म मान रहे, तुम्हें ही एकमात्र रही चाबिकाठी भीतर जगत को चिन्ह पक सारा पर लास्ट को भगवान निजे अच्युत स्वयं परम ब्रह्म तुमको धरा पकेबे आ तुम्हें ही दब वाणी आ सत्य लेखिक लियो वाक्य गुरु अवदूत। मुझे बाबा लगता है कि वीडियो वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, वरना आप मेरा कुंडली खोल दोगे। नहीं नहीं, हम कुछ खोलेगा नहीं, खोलेगा आपको, खोलेगा आपका कुंडली, जगत खोलेगा, जगत खोलेगा। वाक्य गुरु अवदूत, गुरुदेव ने वाक्य दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि खोजने बाल को ही मिलता है, जत्न करने वाल को रत्न मिलता है। जो भगवान का ज्ञान को जत्न से संभाव साउट रहा है, उसी में उसको थोड़ा सा पवाल मिलेगा। अच्छा। जो मोती मिलेगा वो जगत को अलग करेगा। इससे भी है, आपके साथ भी कुछ भक्त है, आप एक नहीं है, मगर आप हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है। नहीं नहीं, इतना खुशी से होगा, लेकिन हम कोई खुशामंदी से नहीं बोल रहे हूँ, स्वयं अच्युत आपको बुलाएगा। फिर भी हम भारतवासी को बोल रहे हो, भक्त को बोल रहे हो, संत को बोल रहे हो, हु इज द सत्य, आप संभालिए, देखिए उनका सोल को वो क्या है, क्या क्या देखा है, आप भी प्रचार कीजिए। सब मिस जाने से सत्य कौन है? अच्युत आपको बुलाएगा। आप बोल रहे हैं ऐसा हो जाता है, ओम के भक्त हो जाता है, सम के भक्त हो जाता है, सबके भक्त हो जाता है, आपका चैनल का माध्यम में कुछ तो सत्य ही निकलता है, वही पीठों में ये होता है, वो पीठों में सोए होता है, वो बात सही है, मगर कोई भी अभी तक नहीं बताया आप कौन है। नहीं बाबा, इतना खुलासा मत कीजिए, ठीक है? जो बताएगा वो क्या है, वो कौन है, जो आपको दुनिया को बताएगा वो कौन है। आज हम थोड़ा सा खोला है, प्रभु अच्युत ने आपको बुलाएगा खुद, आप कैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, रात को बोलेगा, रात को जाएगा, रात में बताएगा, रात को रिटर्न आएगा। बात सही है, लिख के ले लो। नहीं होगा तो हमें माता जी का दर्जा बंद कर देगा सत्यवंज बाबू। कब होगा ये? होगा होगा, जब होगा आप बोलेगा। हमसे मुख से क्यों तुम बोलता है कि कब होगा? जब होगा आपने मेरे को बोलेगा, बाबा आपने जो बोला था वो गया, काली प्रभु को दर्शन करेगा, आप स्वयं वो वट वृक्ष वट वृक्ष मेले में दर्शन देगा। 110% आई चैलेंज। भाग्य तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर बात जो है हमारे दर्शकों के सामने, खास करके हमारे भक्तों के सामने आपने शेयर किए। तो बाबा जी तो कुछ कहते कहते मेरा कुंडली भी खोल दिए। तो अभी आप सुन रहे थे
मालिका के 256 भक्तों की जहां जिगर की किया गया है, उनमें से एक मालिका के भक्त बाबुली बाबा जी से। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने जो पवित्र ग्रंथों के द्वारा लिखे हैं, पुस्तकों की मालाएं, ग्रंथों की मालाएं, उसको हम कहते हैं मालिका। तो आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कहाँ कहाँ मालिका वर्णित स्थान है। और है सत्यवंशी बाबू जी, अभी तक भी निकला नहीं कहा है, हम जानते हैं। आपको बता रही है, उसका काम हम खत्म करके आया है प्रभु जी और महाराज के आदेश में। किसका काम? महेंद्रगिरी में अच्युत देव ने तपस्या किया था, उनका वट पत्र का लंबा पत्र है, उसमें माँ जोगमैया बनो दुर्गा का शिला हमने प्रतिष्ठा करके हवन करके सूर्यास्त पहले हम महेंद्रगिरी छोड़ दिया, नहीं तो मेरा मस्तक चिन्ह होने वाला था। आज खोल दिया आप इस में 9 किलोमीटर में पादुका पहन के उठ के गया है, बारिश हो रही है 7-8, 10-8 दूर से, उसी टाइम में हवन टाइम में बारिश नहीं होता है। उनका प्रफुल्ल बाबा जो उनका साथ महापुरुष स्वयं नारायण परशुराम आ गया, वो परसा पकड़ के मेरे सब पीछे खड़ा हो गया, भक्त देख रहे हैं मैं हवन कर रहे हो, महानारायण अस्त्र गया था उस टाइम में। कब की बात है ये? वो हो गया 7-8 वर्ष। अच्छा, वहां से आपको मिला था ये महानारायण का अस्त्र? नहीं नहीं, नारायण अस्त्र अनर्थ है, वो जानने से हम बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रभु जी ने महाशंकर जी ने आदेश दिया था, माँ जोगमैया बनदुर्गा का शिला वहीं पता हुआ था, उसका मुख उनको प्रतिष्ठा किया है, प्रतिष्ठा करके हम हवन टाइम में 7-8 दूर से हाथ दूर से बारिश हो रही मगर उधर नहीं होता, हम हवन किया खत्म किया, प्रभु जी भट पूरा श्वेत वर्ण है, लंबा पत्र है, उसको क्या बोलता है वो टाइम से हम खोलेगा। मगर परशुराम का पीठ में प्रभु अच्युत ने तपस्या किया था, यहाँ 100% हम अच्युत को उधर दर्शन किया है, उसका छाया को प्रभु महापुरुष का, अभी तक कोई भी इतना आपसुर में आपका खुला नहीं है। तो बाबा जी यहाँ पर एक जबरदस्त खुलासा किए, ये आप जाइए ना देखिए ना, महेंद्रगिरी जाइए ना, वो बामापस रोड के है जो बट्टमुले एक माँ का मुख खड़ा है, उसको वस्त्र पहना के पूरा प्रतिष्ठा करके हमने प्रभु जी का आदेश में काम खत्म करके आया है। अच्छा, आपको मतलब माता जी ने आदेश दिए थे? निश्चित, तब जाके आप गए थे? गया है। अच्छा, बिना आदेश पर अगर गए होते तो खत्म हो जाते ना, आदेश पर जाके भी प्रफुल्ल बाबा ने बोला कि महाराज आपका गुरु सही है, आप बच गए। तो ये जो यज्ञ आपने किया उसका क्या अर्थ क्या था? मतलब अर्थ था कि समय आ गया, माँ बनदुर्गा का शिला उधर था ना, उसका टाइम हो गया, वो प्रतिष्ठा होगा। अच्छा, एक भक्त को भेजा, भक्त ने मेरे को लेके गया, मेरा पास पैसा कहीं है, वो घी लकड़ लेके गया, हमने ढूंढा जहां बोला था वहां पर माँ का शिला निकला है, उसके पर हमने रखा, फिर स्नान कराया हल्दी से, चंदन से, चुहा से, सिंदूर से, माँ का मस्तक सब रेडी करके हवन किया है, उसका वृक्ष को वस्त्र पहनाया, धूप दीप दिया, प्रभु का सत्ता हमको मालूम हो गया। कभी देखता है वट पत्र का सूता कच्चा पत्र गिर जाता है, इतना सा कच्चा पत्र गिर गया वृक्ष के नीचे, हम जहां बैठे थे आदमी आकर हमको स्वयं वट वृक्ष का पत्र, उसका पत्ते का जो रंग था वो व्हाइट था नहीं, वो ग्रीन था, ग्रीन था, मगर वो गिर गया, इतना से गिर गया, हमारे सामने पड़ा, हमने बोला कि प्रभु ने आदेश दे दिया कि कार्य ठीक हो गया। अच्छा, काम संपन्न हो गया। तभी जब पुण्य उतिया तभी बारिश से आ गया, हमारा यज्ञ हवन को बुता दिया, तब तक नहीं हुआ था, 10-8 दूर में बारिश हुआ था, भैंस उधर था, भैंस भी चरता था, आता नहीं। अच्छा अच्छा, हम खुद का कथा है। आपके साथ और कौन कौन थे? मेरा साथ प्रमोद सिंह जो भक्त है वो थे, काशीनाथ बारिक मेरा गुरु भाई थे, और ब्रह्मपुर से दो चार पिला थे। अच्छा, वो लोग थे। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, जो अभी तक आपने खुलासा नहीं किए थे इस वीडियो के माध्यम से आपने खुलासा कर दिए। तो बाबा जी बात कर रहे थे, यहाँ उड़ीसा में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है गजपति। गजपति जिले में एक पर्वत है, वो भी मालिका बंदी स्थान है, उसको हम कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, 22 किलोमीटर डिस्टेंस। ये जो पहाड़ों की जो सीरीज लगी हुई है उसका लगभग अगर किलोमीटर में हम हिसाब करें तो 22 किलोमीटर की तक लंबी है ये पहाड़। तो इसका नाम है महेंद्रगिरी पहाड़, बहुत सुंदर जगह है, कभी भी आप अगर आना चाहते हैं तो आप एक बार आइए। भुवनेश्वर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। तो फिर बाबा जी ने बिल्कुल अपना जो अनुभूति है वो आपके साथ शेयर किए। तो
अभी आप सुन रहे थे मालिका में जो लिखा गया है 256 भक्तों के बारे में। 256 भक्तों में से एक हैं बाबुली बाबा जी से। तो बाबुली बाबा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे थे मरकट करकट के बारे में, जो महामारी अभी आने वाला है 2024 से 2027 के बीच में, तो कब आएगा, इसका रूप कितना घातक होगा और उसका निदान क्या है, इसके बारे में भी बाबा जी ने आपके साथ आपके सन्मुख ये सब बातें आपने शेयर किए। कैसा लगा आज का ये एपिसोड आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय पंचशखा।